नमस्कार, आप देख रहे हैं WWE न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के रो के एपिसोड के ऑफ एयर होने के बाद हमें द उसोज के साथ रोमन रेंस एक मुकाबले में दिखाई दिए। इस दौरान उनका मुकाबला ड्रू मैकइंटायर, जेवियर वुड्स एंड कॉफी किंगस्टन से हुआ। इस मुकाबले के अंत में आपको रोमन रेंस के इस मुकाबले का पूरा वीडियो देखने को मिलेगा। इस मुकाबले के बारे में पूरा जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज रो का एपिसोड ऑफ एयर हो चुका था, लेकिन इसके बाद एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला जिसमें स्मैकडाउन ब्रांड में यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस अपने कजिन द उसोज के साथ रो में नजर आए और उन्होंने एक शानदार मुकाबला स्मैकडाउन के ही सुपरस्टार ड्रू मैकइंटायर, जेवियर वुड्स एंड कॉफी किंगस्टन के साथ लड़ा। इस एपिसोड में रोमन रेंस को देखकर दर्शक उत्साह से भर गए। हालांकि यह एक बेहद शानदार मुकाबला था, लेकिन इसके अंत में ड्रू मैकइंटायर ने जिमी उसो को पिन करके इस मुकाबले को जीत लिया। रोमन रेंस के रो के इस एपिसोड में आने के पीछे का असली कारण सामने नहीं आया है, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक रो की रेटिंग्स बढ़ाने के लिए WWE द्वारा रोमन रेंस को इस एपिसोड में इनवाइट किया गया। हालांकि रोमन रेंस रो के इस एपिसोड में ऑन एयर नज़र नहीं आए, लेकिन मेरे ओपिनियन के मुताबिक रोमन रेंस यहां पर अपनी पोस्ट सर्वाइवर सीरीज स्टोरी लाइन को एंड करने के लिए आए, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मुकाबले में रोमन रेंस का मुकाबला द न्यू डे के मेंबर बिग ई के साथ हुआ था। ऐसे में रोमन रेंस की स्टोरी लाइन पिछले काफ़ी समय से द न्यू डे के साथ देखने को मिल रही थी, लेकिन इस मुकाबले के साथ ही इस स्टोरी लाइन का एंड भी हो जाता है। Yes! तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस के रो के इस एपिसोड में आने के पीछे का कारण क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।